नमस्कार, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट फर्स्ट का अपना 13वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। अब तक हम थ्योरम के बारे में देख रहे थे। हम दो थ्योरम देख चुके थे, एक तो आपका थेवेनियन थ्योरम भी अपन ने पहले देखी थी। अब ये तीसरी प्रमेय जो आपके सामने है वह है नॉर्टन की प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिपादाओं से युक्त डी टर्मिनल जाल को एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा जेड ई क्यू के तुल्य माना जा सकता है। धारा जनित्र से उत्पन्न धारा आई ई क्यू का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के समान होगी तथा प्रतिबाधा जेड ई क्यू का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगा, जबकि जाल के समस्त स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। समांतर जुड़ी प्रतिबाधा जेड ई क्यू के स्थान पर अपन प्रवेश्यता भी ले सकते हैं, जहां प्रवेश्यता है 1/JDQ के बराबर होगी। वास्तविक रूप से जो अपन ने नॉर्टन प्रमेय है ये थेवेनिन प्रमेय का ही दूसरा रूप है। थेवेनिन प्रमेय में यहां अपन ने वोल्टा स्रोत लिया था, जहां उसकी जगह अपन क्या ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, और जेडीक्यू है उसकी जगह अपन यहां पर प्रवेश्यता की बात करेंगे। इतना सा इसमें अंतर है, उसी का एक रूप है। तो इसकी व्युत्पत्ति अपन देखते हैं। नॉर्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए थेवेनिन के प्रमेय का ही उपयोग किया जा सकता है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में बहुत से स्रोत का प्रतिबाधा जुड़ी हो सकती है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार इस जाल का तुल्य प्रतिपथ ये परिपथ है वो ये दिखाया गया है। ये आपकी थेवेनिन प्रमेय थी, जिसमें एक नेटवर्क है, ए बी है, जेड एल लोड है, ये इसको वोल्टा स्रोत है, ये जेडी क्यू है, ये ए और बी और जेड एल है। ये आपकी थेवेनिन प्रमेय है और इसमें अपन बात करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार अपना जो आई एल निकलेगा, अपन निकाल चुके हैं ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड एल, और तथा अब यदि ए तथा बी टर्मिनलों को लघुपतित कर दिया जाए तो धारा का मान शॉर्ट सर्किट होगा, वह ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू इक्वल टू आई क्यू के बराबर होगा। ये अपन ने इसमें लिख रखा है कि धारा ई दोनों शॉर्ट सर्किट करने में धारा के समान होगी। अब उपरोक्त जाल जो है इसको अपन नॉर्टन प्रमेय के रूप में दिखाते हैं। तो इसमें ये जो कह रहा है कि जो धारा उत्पन्न जनित्र आई यू की का मान और धारा जनित्र है और ये आपका प्रतिबाधा है, ये इसमें समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएंगे। ये समांतर क्रम में ये दोनों जो को जोड़ा हुआ है, ये आपका लोड है, ये ए है और बी है, ये आई एल डेस हो गया आपका। तो इस सर्किट को ऊपर वाले जो सर्किट था उसको अपन ने नॉर्टन प्रमेय के अनुसार ये सर्किट को प्रदर्शित किया गया है, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो उसमें परिपथ में धारा वितरण के नियम से जो आई एल डेस होगा वह आपका जेडी क्यू आई क्यू अपॉन जेडी क्यू प्लस जेड एल होगा। अब यहां पर समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 2 से यहां पर आई यू की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों के जो कंपैरिजन करेंगे तो आई एल डैश इक्वल टू आई एल होगा। तो उपरोक्त विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि परिपथ के जो दोनों चित्र से समतुल्य है और इससे नॉर्टन प्रमेय की पुष्टि होती है। जब किसी जटिल जाल को थेवेनियन या नॉर्टन प्रमेय के अनुसार तुल्य परिपथ से प्रदर्शित किया जाता है तो किसी एक तुल्य परिपथ को दूसरे तुल्य परिपथ में भी परिवर्तन किया जाना संभव है। अब थेवेनियन प्रमेय से समीकरण 1 पर
में नोड पर वोल्टता थेवेनिन प्रमेय से EL जो आएगी IL और ZL के बराबर होंगे, दैट इज इक्वल टू दिस। IL की वैल्यू रख दी इसमें, ये हो गया। लोड से प्रवाहित धारा का मान EQ अपॉन ZEQ प्लस ZL होगा, इसमें इसकी वैल्यू रखी EQ की, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब IL डैश जो होगा वो आपका EQ अपॉन ZEQ प्लस ZL होगा, ये सॉरी आपने इस इक्वेशन में अपन इसके बाद में अंश और ZL और ZEQ का अंश व हर में भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद में आपके पास यहाँ पर IEQ और R अपॉन ZL बनेगा और ये चीज आपकी मिलेगी, ये वाला IEQ हो जाएगा, ये आपका YL हो जाएगा, ये आपका YEQ हो जाएगा और एक YL हो जाएगा, ये प्रवेश्यता के रूप में आपकी चीज आ जाएगी। तो समीकरण 6 व 7 प्रारूप में एक समान है। समीकरण 6 थेवेनिन तुल्य परिपथ निरूपित करती है तथा 7 जो है नॉर्टन का तुल्य परिपथ निरूपित करती है। थेवेनिन तुल्य परिपथ में खुले परिपथ वाली वोल्टता या प्रतिबाधा का उपयोग होता है, जबकि नॉर्टन के तुल्य परिपथ में लघुपतित धारा तथा प्रवेश्यता का उपयोग होता है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के आधार पर नॉर्टन प्रमेय का देखेंगे कि इस डायग्राम में प्रदर्शित परिपथ का नॉर्टन प्रमेय के अनुसार तुल्य परिपथ बनाइए तथा प्रतिरोध RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका, तो इसको अपन देखते हैं, ये इक्वेशंस दी हुई है, ये आपका प्रतिरोध है, ये वोल्टता है, ये R2 है, ये वोल्टता है, और इनको अपन देखेंगे कि दोनों समांतर में ये भी है, तो यहां से अपन EQ आ जाएगा। तो ये देखते हैं अपन उपरोक्त परिपथ का नॉर्टन परिपथ प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में RL को AB टर्मिनल से हटा करके लघुपतित करने पर जो शॉर्ट सर्किट और IEQ का मान ज्ञात करते हैं। यह आपने इसको हटा दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो मान ज्ञात करने पर अपन देखते हैं इसमें इस परिपथ से IEQ शॉर्ट सर्किट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 जो कि आपके E1 R2 पैरेलल में है, ये आपने निकाला धारा, ये आपकी करंट आएगी 0.8 एम्पीयर। अब इन दोनों टर्मिनलों को खुला रखने पर रखकर शॉर्ट सर्किट करने पर प्रभावित जो JDQ होगा वो आपके क्या है, पैरेलल है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, वो 12 ओम है। तो इसका अपने पर देखते हैं, यहाँ करंट आपका आ गया 0.8 एम्पीयर और यह आपका JEQ आपका ये आ गया और ये RL हो गया, तो जिससे कि प्रतिरोध RL में प्रवाहित धारा का मान आपका IL आ जाएगा, JEQ प्लस RL IEQ के बराबर आ जाएगा, तो ये आपका 0.34 एम्पीयर ये इसका RL में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो हमने आज नॉर्टन प्रमेय को देखा और इसके साथ के इस एग्जाम्पल को देखा, अब आगे इससे जो दूसरी थ्योरम है उसके बारे में अपन अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।